और इकोलॉजी प्रिंसिपल में हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हैबिट इंचेस, पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीशीज इनहेरिटेंस, कम्युनिकेशन इकोलॉजी, इकोलॉजी सक्सेशन एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी, बायो जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, अप्लाइड इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आगे है हमारे पास एवोल्यूशन एंड बिहेवियर। आगे है हमारे पास 11th यूनिट, इसमें हम देखेंगे एवोल्यूशन एंड बिहेवियर के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे, डेनमार्क और डार्विन कॉन्सेप्ट वेरिएशन। और उसके बाद सी में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ सेल एंड यूनिसेलर एवोल्यूशन, पेलियोबॉटनी एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। डी में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन एंड ई पार्ट में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, ब्रेन बिहेवियर एंड एवोल्यूशन। उसके बाद हम 12th यूनिट में हम पढ़ेंगे अप्लाइड बायोलॉजी, माइक्रो फर्मेंटेशन प्रोसेसेस, स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीनेशन डायग्नोसिस एंड सेल कल्चर मेथड एंड प्लांट एंड एनिमल, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सी में हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट मॉलिक्यूलर अप्रोचेस एंड डायग्नोसिस स्ट्रेन, ये सारे जो हैं यहाँ पे पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट है हमारे पास मेथड ऑफ बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकम्बिनेंट डीएनए मेथड पढ़ेंगे, जितने भी डीएनए और आरएनए से रिलेटेड मेथड आते हैं वो इसी में हम इंक्लूड करेंगे। आगे है हमारे पास इम्यूनो टेक्निकल टेक्निक्स, बायोफिजिकल मेथड, स्टैटिक्स मेथड, बायो रेडियो बैलिंग टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। और जी पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड, और एच पार्ट में हम पढ़ेंगे मेथड इन फील्ड बायोलॉजी। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल।